गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय के हाई सेकेंडरी के पास स्थित पार्क में योगा क्लासेस द्वारा वैदिक हवन का आयोजन किया गया। प्रकृति पोषण स्वच्छता सुंदरता के लिए वैदिक हवन किया ताकि मनुष्य को स्वच्छ वायु मिल सके। उनके द्वारा प्रतिमाह दो बार हवन किया जाता है। वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए वैदिक हवन किया जाता है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। एकादशी है ना, एकादशी पे हर एकादशी पे हम यज्ञ करते हैं। किस चीज का? इसमें हमें प्रकृति के शुद्धिकरण के लिए हवन करते हैं। हर ग्यारह को हवन होता है ये, और ये सारे जो हमारे प्राकृतिक देवी देवता हैं, जो पांच तत्व हैं, इनके लिए ही हवन मेन होता है। ये चाहिए कि है ना सब लोग करें, जिससे हमारी प्रकृति भी शुद्धिकरण हो, हमारा वायुमंडल शुद्ध हो और हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, ये पॉजिटिव ऊर्जा मिले, इसलिए ये हवन हर ग्यारह को कराया जाता है। सभी लोगों से आदर निवेदन है, सभी पधारे और खूब इसका आनंद लें। किन की ओर से होता है हवन? ये योगा हेमलता जी की तरफ से। हमारे यहाँ पे जो डेली दैनिक योगाभ्यास क्लास लगती है, उसमें हमने ये संकल्प लिया है कि हम प्रत्येक एकादशी को यहाँ पे प्रातः 6:45 6 बजे से और 7 बजे तक यज्ञ करते हैं। प्रत्येक हर 15 दिन में हम ये यज्ञ करते हैं। हमारी पूरी जो भारतवर्ष है वो बहुत सारे धर्मों में बटा हुआ है, क्योंकि जब अपना जो हिंदू धर्म है वो एक हो सकता है तो सिर्फ एक धर्म के नाम पर हो सकता है। इसलिए हम इसे वैदिक प्रचार के लिए यहाँ पर वैदिक यज्ञ करते हैं, क्योंकि सब लोग मंदिरों में जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं सब अलग 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 मंदिरों में भागते रहते हैं, जबकि हम प्रकृति को पोषण पर्यावरण देने के लिए यहाँ पर ये यज्ञ करते हैं, क्योंकि प्रकृति है तो जल है, जल है तो जीवन है। इसलिए हमने ये संकल्प किया है कि हम प्रत्येक एकादशी करेंगे और हम ज़्यादा से लोगों को इसमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और सबको हम यहाँ पर प्रत्येक ग्यारह को अलग अलग जोड़ों को यहाँ पर बिठाते हैं, और मतलब सबकी सबको यहाँ यज्ञ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।